और उत्तर प्रदेश की गंगा नदी से शवों के मिलने की खबर आ रही है। इन शवों की संख्या अब तक तकरीबन 100 हो चुकी है। माना ऐसा जा रहा है कि ये शव कोविड-19 मरीजों के हैं, जिनके रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली या जिनके पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे। भी एक भयंकर महामारी ही कारण थी। जब से कोरोना आया है तब से आपने कई बार इन्फ्लुएंजा महामारी का नाम सुन लिया होगा, जिसे आमतौर पर स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त भी ऐसी ही परिस्थिति सामने आई थी जब नर्मदा नदी में लाशें तैरती देखी गई थीं। नेशनल आर्काइव्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर उन दिनों भी ऐसा क्या हुआ था जब लोगों को ऐसी ही तैरती हुई लाशें मिल रही थीं। नेशनल आर्काइव्स 1918 में भारत में इन्फ्लुएंजा महामारी शीर्षक से एक रिपोर्ट शामिल है। इस रिपोर्ट में जून 1919 की भारत सरकार के विदेशी और राजनीतिक विभाग की एक और रिपोर्ट शामिल है, जिसे 12 नवंबर 1918 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग 5वीं डिवीजन महू की तरफ से भेजा गया था और जो कि एक विस्तृत नोट है। इस पत्र में लिखा है कि मुझे इन्फ्लुएंजा के मरीजों की लाशों के कारण नर्मदा, जिसे नर्मदा कहा जाता है, नदी के प्रदूषण पर दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक एजेंट की एक रिपोर्ट के बारे में आपकी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि ये नोट सेना के दक्षिणी कमान के प्रभारी मेजर जनरल को लिखा गया था। रिपोर्ट की शुरुआत इससे होती है कि खलघाट, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहां की नर्मदा नदी में भयंकर प्रदूषण की स्थिति के बारे में चौंकाने वाली खबरें आई हैं। खलघाट धर्मपुरी के बीच धारा में बड़ी संख्या में छत विछत लाशें मिली हैं। एक ही परिवार में कई लोगों की मौत हो रही है। जो लोग शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं वे इन्फ्लुएंजा की इस महामारी से इतनी बुरी तरह पीड़ित थे कि दाह संस्कार असंभव हो गया था। राजनीतिक एजेंट इस रिपोर्ट में कहते हैं कि महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति सामान्य व्यवस्थाओं से परे थी और हालात इतने बिगड़ गए कि लकड़ी या गोबर के उपले उपलब्ध नहीं थे, इसलिए शवों को नर्मदा में फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, नर्मदा में नाव चलाने वाले नाविकों ने कहा कि लाशें हमेशा उनकी नावों से उलझ रही थीं और बदबू इतनी थी कि वे नदी को पार नहीं कर सकते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो शव नदी में काफी दूर थे उन्हें आगे बहा दिया गया और कुछ को नाव के जरिए निकाल कर गाड़ियों में लाद कर ले जाया गया। एजेंट ने कहा कि करीब 8 छत विशत शव नदी में ही बहते दिखे, जिन पर कौवे बैठे थे। एजेंट्स ने रिपोर्ट में बताया है कि खुद डिस्पेंसरी के कई डॉक्टर बीमार हैं और दवाओं के स्टॉक खत्म हो गए हैं। दीवान ने मुझे बताया कि 4000 से ज्यादा लोग धार शहर में बीमार हैं और करीब 900 मरीज अस्पताल में रोजाना जाते हैं। तो यह रिपोर्ट साफ दावा कर रही है कि ऐसी ही तैरती हुई लाशें स्पेनिश फ्लू की महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी।